मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं रेनू एंड आई एम ट्राइंग रुजुता दिवेकर्स इंस्पायर डाइट प्लान फॉर माय वेट लॉस फॉर हेल्दी लिविंग एंड हेल्दी लाइफस्टाइल। एंड आज है डे नंबर 12। सो डे नंबर 10 एंड 11 का जो वीडियो है वो कंबाइन होकर गया है, क्योंकि हुआ ये कि डे नंबर 10 का वीडियो पूरा बना चुकी थी मैं, लेकिन एडिट नहीं कर पाई थी। और एडिट फिर डे नंबर 11 आ गया। डे नंबर 11 पर मैं हॉस्पिटल गई थी। वहाँ से आने के बाद थोड़ा स्ट्रेस हो गया था मुझे ज़्यादा, एंड थोड़ी देर के बाद मुझे पीरियड्स भी आ गए, जो कि मुझे इस मंथ में 2 times हो चुका है। मतलब ये अभी मेरी डेट थी नहीं और मुझे पीरियड्स टाइम से पहले आ गए, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा क्रैम्प्स थे मेरे पैरों में, मेरे पेट में बहुत बहुत पेन था। और मेरी हालत ऐसी नहीं थी कि मैं वीडियो कैमरा उठा के शूट कर सकूँ। सो मैंने कल पूरे दिन फिर रेस्ट किया, तो उसमें 1-2 clips मैंने हॉस्पिटल जाने से पहले जो शूट की थी वही है, वही मेरे पास थी। तो मैंने वो डे नंबर 10 और 11 को कंबाइन कर दिया ताकि आप लोगों को थोड़ा सा अपडेट मिल जाए। और आई एम सो सॉरी कल मैंने कोई वीडियो नहीं डाला था, क्योंकि मेरी हालत ही नहीं थी ऐसे कि मैं उसको एडिट करूं और फिर मैं अपलोड पे लगाऊं, क्योंकि थंबनेल बनाना पड़ता है, फिर टैग्स लगाने पड़ते हैं, काफ़ी कुछ होता है एक वीडियो एडिट होने के बाद भी। तो वो सारी चीज़ें करनी बाकी थी और मेरी हालत नहीं थी कि मैं कुछ ऐसा कर सकूं, तो इसीलिए मैंने कल कुछ नहीं किया और वीडियो भी नहीं जा पाई। तो वीडियो मैंने अब एडिट कर ली है, वो आज शाम तक आपको मिल जाएगी। और अब मैंने आज का वीडियो भी स्टार्ट कर दिया ताकि आपको मेरी वीडियोस रेगुलर मिल सके। एंड बहुत बोल रही हूँ ना मैं। तो थायराइड वाला मेडिसिन ले चुकी हूँ, डिटॉक्स ले चुकी हूँ अपना, एंड अब टाइम है मेरे मील नंबर 1 का, जिसमें मैंने लिए हैं रेजिन्स। कल मैंने रेजिन्स मंगवा लिए थे अपने हस्बैंड से और इन्हें मैंने सोक कर दिया है। सोक से मेरा फर्स्ट मील रहने वाला है जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाएगा, क्योंकि मेरे घर में रेजिन्स किसी को नहीं पसंद है, तो ये मुझे को ख़त्म करने पड़ेंगे। तो जब तक ये ख़त्म नहीं होगा मेरा मील नंबर 1 यही रहने वाला है। और मील नंबर 1 रेजन्स मैं अपना फिनिश करती हूँ और अब मैं आपसे मिलूंगी थोड़ी देर के बाद, यानी कि मील नंबर 2 पर अपने ब्रेकफास्ट। और हाँ, मैंने अभी अपना वेट चेक किया था तो वेट मेरा बढ़ा हुआ आया है, 60.20 kgs के अराउंड आए हैं, यानी कि 60 kg 200 g मेरा वेट हो चुका है। और हो सकता है कि वो पीरियड्स की वजह से भी हो, कि पीरियड्स टाइम पे ब्लोटिंग हो जाती है और वेट बढ़ जाता है हमारा, या हो सकता है कि कल मैंने अपना डिनर काफ़ी लेट किया था, 12 बजे के अराउंड किया था, तो हो सकता है वो रीज़न हो। या और कल मेरे हस्बैंड मेरे लिए आइसक्रीम और उतनी क्या क्या चीज़ें लेकर आए थे, तो मैंने थोड़ा थोड़ा सब खाया है, खाना पड़ा है, क्योंकि वो मेरी और उनकी लड़ाई हो गई थी। और स्पेशली उन्होंने कल छुट्टी इसलिए भी किया ताकि वो मुझे मना पाए। और उनको उनका मनाने का तरीका पता है आपको क्या है? उनका मनाने का तरीका सिर्फ ये है कि वो मुझे मेरी पसंद की जो खाने की चीज़ें ना वो सब ला के रख देते हैं, तो मैं अपना वेट कैसे लूज़ करूँ आप बताओ। और मैं मना नहीं कर सकती, मैं मना करूँगी तो उनको लगेगा कि मैंने उनको माफ़ नहीं किया है और मैं लड़ाई को कंटिन्यू रख रही हूँ, तो इसलिए मुझे खाना पड़ता है, मजबूरन खाना पड़ता है। तो मैंने थोड़ा बहुत सब कुछ खाया था कल। कल वो लच्छा पराठा मेरे लिए मंगवाया उन्होंने, और चिकन कल रात को मैंने काफ़ी लेट खाया है, कल रात को मैंने राइस भी खाया है। कल मेरे लिए वो आइसक्रीम लेकर आए थे जो मैंने अभी तक फर्स्ट टाइम ट्राई की थी, कल वो मैंने कल खाया है। कल काफ़ी कुछ खाया है। फिर लखनऊ के पान बहुत फेमस हैं, मीठे वाले पान होते हैं ना, फ्लेवर्ड वाले पान होते हैं, और तो वो कल मेरे लिए लेकर आए थे, जो मैंने एक बाइट खाया था। मुझे पान खाने का बिल्कुल पता है, जब से मैंने डाइट स्टार्ट किया ना मुझे चाय के अलावा ऐसा कुछ मीठा खाने की क्रेविंग होती नहीं है। और ये देखो कौन आया, बलून लेके आयो सीधा, आइस तो ओपन ही नहीं हो रही लड्डू की। हाँ, ये किसका बेटा है? हाँ, जाग गया है। हाँ, मेरा बेटा जाग गया है, क्या हुआ है? सुबह सुबह बलून लेके आए हो तुम? हाँ मेरा बच्चा। तो चलो अब थोड़ी देर के बाद मैं आपसे बात करती हूँ, थोड़ा सा इसको पैम्परिंग चाहिए होती है, सुबह सो के उठता है तो थोड़ा प्याल प्याल चाहिए होता है लड्डू को, है ना? कोको एंड प्लीज। ठीक है ठीक है, मुझे नहीं समझ में आया क्या बोला, लेकिन ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं। और लड़ाई किस बात पे हुई थी मेरे हस्बैंड से, वो भी मैं आज आप लोगों को बता दूंगी, शेयर करूंगी आप लोगों के साथ में, तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। माय ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट में आज मैं चाय नहीं पी रही हूँ, चाय मैं 1/2 hour के बाद ले लूँगी अगर मेरा मन हुआ तो। और ये है दही, जिसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला है, ना चीनी डाली है ना गुड़ डाला है। ये है मिक्स वेज, जो कि थोड़ी थोड़ी सब्ज़ियाँ घर पर बच जाती हैं तो हम लोग मिक्स वेज बना देते हैं, जिसमें है गोभी, मटर, गाजर और शिमला मिर्च, आलू और ये सब चीज़ें हैं। साथ में मैंने बनाई है एक रोटी, जिसमें मैंने थोड़ा सा घी लगाया है। वैसे रुजुता मैम
जैसे रुजुता मैम ये बोलती है कि हमें हमारे तीन जो मेन मील्स होते हैं उनमें घी इंक्लूड करना चाहिए ताकि डाइजेशन अच्छा हो सके, तो इसीलिए आज मैंने लिया है चपाती बनाई, मैंने अपने रोटी बनाई है जिसमें मैंने घी लगाया है, और आज थोड़ा सा चेंज लाई हूँ मैं अपने ब्रेकफास्ट में। हमेशा की तरह मैंने मतलब चीला उपमा वगैरह वो सब नहीं ले रही हूँ, एक देसी खाना जो कि हमारे घर का कल्चर फूड है, क्योंकि पहले के टाइम पर मुझे मम्मी बताती हैं कि जब वो छोटी थी तो उनके यहाँ पर सब्जी रोटी दाल चावल सुबह ही बन जाती थी और ब्रेकफास्ट से लेके लंच तक वही खाना होता था, तो बस आज मैं उसी रिचुअल को फॉलो करके अपना ये ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। तो जल्दी से मैं अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ, धीरे धीरे खाएंगे, जल्दी नहीं खाएंगे, धीरे धीरे खाएंगे, 32 टाइम च्यू करके खाएंगे, और अब आपसे मिलूंगी मैं थोड़ी देर के बाद। अपनी परंपरा को तोड़ते हुए मैंने मील नंबर 3 में लिया है आज पपाया। 2 hours later. So this is my rajma rice with onion with अचार घर का बना हुआ, और ये है एक कुकुम्बर छिलके के साथ, क्योंकि ये वाले पतले वाले छिलके हैं जो कि बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। तो ये है मेरा आज का लंच यानी कि मील नंबर 4। हेलो एवरीवन, और मैं कर चुकी हूँ लंच। लंच करने के बाद लंच टाइम पे आप लोगों से बात नहीं हुई, तो मैं थोड़ा सा आप लोगों से बात कर लूँ, और आज मैं सोने नहीं वाली हूँ, आज मैं नहीं सो रही हूँ, क्योंकि सो के उठो ना तो उसके बाद मील नंबर 5 और 6 के टाइम पे इतना आलस आता है, दिमाग ही नहीं काम करता है, मुझे इतनी सुस्ती आ रखी होती है, तो लगता है कुछ बना बनाया मिला जो रखा हुआ है मैं वही खा लूँ, इसीलिए ना कुछ गड़बड़ हो रही थी। तो आज मैं सोने नहीं वाली हूँ, और थोड़े बहुत घर के कुछ कुछ काम बचे हैं, डस्टिंग वगैरह वो मैं कर लेती हूँ, और देखूँगी कुछ और भी बचा होगा तो वो भी कर लूँगी आज, और अब आपसे मिलूँगी मील नंबर 5 पर। काश मैं भी इतनी बड़ी हो जाऊँ, देखो कोई टेंशन नहीं दुनियादारी की, सो रहे हैं तो बस सो रहे हैं, खेल रहे हैं तो खेल रहे हैं। बचपन का टाइम सबसे बेस्ट टाइम होता है लाइफ का। सो गाइज, इट्स टाइम फॉर मील नंबर 5, और मील नंबर 5 में मैंने लिया है चिया सीड्स हैं, सोक कर दिए थे लंच टाइम पर, नींबू डाला है मैंने ऊपर से खूब सारा, मतलब एक पूरा नींबू डाला है, और ऊपर से डाला है मैंने काला नमक, पूरा शरबत बना लिया मैंने चटकारेदार। मॉर्निंग में मैंने आपको कहा था कि मैं बताऊंगी आप लोगों को कि मेरी और मेरे हस्बैंड की लड़ाई क्यों हुई थी। एक्चुअली क्या है कि मुझे अस्थमा और मुझे एलर्जीज़ हैं, और मेरा जहाँ से ट्रीटमेंट चल रहा है उस हॉस्पिटल का नाम सेंट जोसेफ है, और उसी हॉस्पिटल में हमें मतलब लड्डू हुआ था, मेरी डिलीवरी उसी हॉस्पिटल में हुई थी। डिलीवरी क्या, मेरी पूरी प्रेगनेंसी का ट्रीटमेंट मैंने उसी हॉस्पिटल में करवाया, ट्रीटमेंट नहीं जो रेगुलर चेकअप्स वगैरह होते हैं वो मैंने उसी हॉस्पिटल में करवाया था। उसके बाद डिलीवरी भी मेरी वहीं हुई थी, और उसके बाद मुझे एलर्जी और अस्थमा हो गया, तो वहीं के डॉक्टर को मैं दिखा रही हूँ। तो उसने मुझे बोला कि ये जो प्रॉब्लम है ना आपकी लाइफ टाइम है, और जिस तरह से आपकी कंडीशन ख़राब हो रही है, 10 साल का टाइम है आपके पास नॉर्मल लाइफ जीने का, उसके बाद आपको कई सारे इनहेलर्स के सहारे जीना पड़ेगा। तो मुझे उनकी ये बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि अगर आप किसी पेशेंट को ट्रीट कर रहे हो तो आप उसे पॉजिटिवली बात करोगे, उसके माइंड में पॉजिटिव चीज़ें डालोगे, तभी होते हैं ना, हम अंदर से पॉजिटिव होते हैं तो हमारे साथ भी पॉजिटिव चीज़ें होने लगती हैं। तो वही चीज़ है, आप डॉक्टर हो के आप मुझे इस तरह से बोल रहे हो, तो थोड़ा सा मुझे लगा कि एक बार हमें डॉक्टर चेंज करके भी कहीं दिखाना चाहिए। तो मैं कई दिनों से अपने हस्बैंड को बोल रही हूँ कि उनकी जान पहचान, मैं लखनऊ में रहती हूँ तो लोहिया हॉस्पिटल में उनकी थोड़ी जान पहचान है, तो वो वहाँ पर बात कर ले और वहाँ मुझे किसी डॉक्टर को दिखा दे। तो उन्होंने स्टार्टिंग में बोला हाँ मैं दिखा दूँगा, बस वो ये था कि हाँ अभी नेक्स्ट वीक ऑफ में करते करते काफ़ी टाइम हो गया, इसीलिए मैं अपनी मेरी अपॉइंटमेंट 20 दिन बाद की थी, मैं वो छोड़ कर उसको 4 महीने हो गए इन सब चीज़ों में। और अब मेरी कंडीशन जैसे ही मौसम चेंज होता है ना, ठंडी से गर्मी आती है, गर्मी से ठंडी आती है, उस टाइम पे मेरी कंडीशन थोड़ी ज़्यादा ख़राब होने लगती है। और चाहे मैं वीडियो बना रही हूँ लेकिन मुझे पता है कि ऑफ़ कैमरा मैं मेरी हालत क्या हो रही होती है रात को, और मेरी जो प्रॉब्लम है ना स्पेशली रात के 3 बजे के बाद स्टार्ट होती है, यानी कि रात के 3 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक मैं लगातार छींकती हूँ अगर मैं दवाई ना खाऊँ तो। और आपको मैं दिखाती हूँ, यहीं बेड पे मेरी दवाई लिया ये देख रहे हो, ये नोजल ड्रॉप है जो कि मुझे नोजल स्प्रे है जो कि मुझे डेली यूज़ करना होता है। आप इमेजिन कर सकते हो ब्राइटनेस ज़्यादा कैसे हो गई,
आप इमेजिन कर सकते हो डेली आपको कुछ यूज़ करना पड़े ताकि आप सो पाएँ। ये तो सिर्फ ड्रॉप है जो मुझे नोज़ में लेनी है। इनहेलर मेरा वहाँ पे बेड पे रखा हुआ है, मैं अभी उसकी वीडियो में बना चुकी हूँ तो वो भी आपने देखा है। बाकी मुझे 3 दवाइयाँ खानी होती रात में। ये इतना सब कुछ करके मैं तो इतनी सारी दवाइयों के साथ में जब आपको रहना पड़ता है ना तो आपको बहुत इरिटेशन होने लगती है। तो बस वही था मेरे साथ। और मुझे हस्बैंड के ऊपर गुस्सा था कि वो टाइम नहीं निकाल रहे हैं मुझे दूसरे डॉक्टर को दिखाने के लिए। तो बस लास्ट उनकी वीक ऑफ, यानी कि कल उनका एक वीक ऑफ था, उससे पहले एक दिन छोड़ के उससे पहले उन्होंने एक ऑफ लिया था। तो उस दिन उनके सुबह से लेके वो दोपहर तक गायब थे। दिन उसके बाद शाम को उन्होंने अपने फ्रेंड्स के साथ प्लान बना लिया कि घर पे आएंगे। तो वही बात मुझे ख़राब लगी कि आपके पास सबके लिए टाइम है सिवाय मेरे लिए। और उस चीज़ को लेके मेरे और मेरे हस्बैंड की काफ़ी लड़ाई हो गई थी, काफ़ी बहस हो गई थी। तो बस इसीलिए मैं उस टाइम पर रो रही थी। और फिर जब उन्होंने मुझे रोते हुए देखा था उस टाइम, तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, लेकिन हाँ नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे उन्होंने ऑफ लिया, यानी कि कल ऑफ लिया। और फिर मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए और मेरे को मनाने के लिए चॉकलेट आइसक्रीम लेकर आए। और मुझे मीठे पान, मीठा फ्लेवर वाला पान होता है ना, वो पसंद है, जिसमें चेरीज और चॉकलेट होता है, सिरप होता है, वो मुझे काफ़ी पसंद है। मेरे लिए वो लेकर आए, काफ़ी कुछ लेकर आए ताकि मैं मान जाऊँ। उसकी क्लिप मैं अभी आपको आगे दिखा दूँगी इसमें। और तो बस अब हम दोनों में कोई लड़ाई नहीं है। और मैंने फिर से अच्छे से मोटिवेट होकर फिर से अपनी वीडियोस बनाना शुरू किया है। आपको मैं मतलब 10-12 मिनट की वीडियो दिखाती हूँ तो उसमें मैं अपनी लाइफ का सब कुछ नहीं दिखा सकती हूँ, क्योंकि मेरा जो वीडियो बनाने का पर्पस होता है वो मेन पर्पस है मेरी डाइट। और डाइट को दिखाते दिखाते ही वो 10 से 12 मतलब मिनट हो जाते हैं। उसमें मैं आपको अपनी पर्सनल चीज़ें बताऊँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो हो सकता है लोग मेरी वीडियो देखें ही ना, इसीलिए मैं हर चीज़ शेयर नहीं कर पाती हूँ। और तो बस बहुत बातें हो गई, 5.5 मिनट की बात तो इसी क्लिप में हो गई है। तो अब मैं मिलूँगी आपसे मील नंबर 6 पर। और तब तक आप मेरा कल वाला थोड़ा सा वो जो छोटा सा 2-3 सेकंड का वीडियो मैंने लिया था, क्लिप लिया था, जो मेरे हस्बैंड मुझे मना रहे थे, वो आप देख लीजिए। और सो दिस इज़ माई मील नंबर 6, जिसमें मैंने लिया है पीनट चाट। थोड़ा ही लिया क्योंकि भूख ज़्यादा नहीं है। और साथ में मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय भी। ये है चाय। सो गाइज, डिनर की प्रिपरेशन चालू हो चुकी है। डिनर में मैंने लड्डू के लिए खिचड़ी बनाई थी, तो वही मैंने थोड़ी सी एक्स्ट्रा कर ली ताकि मैं भी वही खा लूँ आज। खिचड़ी और टमाटर प्याज की चटनी, जो कि मेरी मम्मी मुझे बना के खिलाती थी जब मैं खाना नहीं खाती थी, मुझे सब्ज़ी नहीं पसंद आती थी, या प्लेन दाल चावल मैंने कभी नहीं खाए। तो अगर कभी सादे दाल चावल बनते थे तो मम्मी मुझे ये चटनी बना के देती थी। इसे पराठे के साथ भी खा सकते हो, रोटी के साथ भी खा सकते हो, पूड़ी के साथ भी खा सकते हो, और प्लेन चावल के साथ भी खा सकते हो। मैं दिखाती हूँ एक मिनट। डिनर जिसमें मैंने लिया है मूंग की दाल की और चावल की खिचड़ी। प्लेन है, इसमें सिर्फ नमक डाला है, मैंने ऊपर से घी डाला है, नमक और हल्दी है इस खिचड़ी के अंदर। साथ में मैंने अभी बनाई है टमाटर और प्याज की चटनी। एक्चुअली ये चटनी ना मेरी मम्मी बनाया करती थी जब मेरी पसंद की कोई सब्ज़ी नहीं होती थी घर पे। और मुझे मम्मी ना मतलब मनाती थी, पटाती थी कि कुछ ना कुछ करके मैं खा लूँ, तो मम्मी मुझे चटनी बना के खिलाया करती थी। बहुत अच्छी लगती है, बनाना बहुत ईजी है। मिर्च डाला तेल में, प्याज पका लिया, टमाटर पका लिया, हल्दी डाल दी, नमक डाल दिया, बस बन गया। इतना ईजी है और ये काफ़ी टेस्टी लगती है। डिनर में है आज चटनी और खिचड़ी। तो क्या चटनी नहीं खाओगे? खिचड़ी खाओगे? ऑक्टोपस नहीं है, टोमेटो की चटनी है। टोमेटो? अच्छा बैठो, मम्मा खाना खिलाएगी, ठीक। A few moments later. So guys, मैं कर चुकी हूँ डिनर। और डिनर में मैंने क्या खाया वो आप लोग देख ही चुके हैं। और मैंने ना आज एक चीज़ नोटिस की, तो प्लीज़ आप इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि क्या होता है ना कि वीडियो में काफ़ी कुछ होता है तो आप कुछ चीज़ें मिस कर जाते होंगे, तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ ये वाला पार्ट आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। कल तक मेरे साथ हो रहा था कि शाम होते ही मील नंबर 6 पर मैं कुछ ना कुछ उल्टा सीधा खा रही थी, यानी कि बिस्किट्स खा रही थी, कभी कुछ ऐसा हो रहा था। तो मैंने ये चीज़ आज मैंने पूरे दिन में इस चीज़ को मैंने देखा, तो मुझे समझ में आया कि अगर हम अपने मील को पहले से ही प्लान करके चलेंगे ना, जिस टाइम पर हम चीट करते हैं, मोस्टली हमारा चीट वाला टाइम होता है शाम का, यानी कि मील नंबर 6 पर हमसे चीट हो जाता है। पूरे दिन हम सब कुछ अच्छे से करते हैं प्लान, और एकदम हेल्दी मील लेते हैं, प्लानिंग के साथ में करते हैं, लेकिन शाम के टाइम पर हमें भूख लगती है और उस टाइम समझ में नहीं आता और हम कुछ भी खा लेते हैं। तो मैंने आज क्या किया कि मैंने सुबह से ही डिसाइड कर लिया था कि मैं आज इवनिंग स्नैक्स में ये खाऊँगी, यानी कि पीनट चाट खाऊँगी।
तो मैंने उसकी तैयारी करके रखी हुई थी। मुझे मालूम था कि हाँ मुझे पीनट चाट खाना है, तो मेरे पास पीनट है कि नहीं है, या जो भी मेरे पास चीज़ें थी मैंने उसके अकॉर्डिंग ही ऑलरेडी सब प्लान करके रखा था कि हाँ आज मैं शाम को ये खाऊंगी। तो उससे ये हुआ कि जब शाम हुई और वो टाइम आया मील नंबर 6 का, तो मेरा माइंड कहीं और नहीं भागा। उसको मालूम था कि आज मुझे पीनट चाट खाना है, तो उसने उसके मैंने उसकी प्रिपरेशन की, तैयार की और खा लिया। लेकिन अगर हमारा प्लान नहीं होता ना उस टाइम पर, कुछ पता नहीं होता कि क्या खाना है क्या नहीं खाना, और कई सारे ऑप्शन हमारे पास बहुत होते हैं घर पर ही, चने हमारे पास होते हैं, भुने चने हमारे पास होते हैं, मखाने हमारे पास होते हैं, पीनट हमारे पास होते हैं, मुरमुरे हमारे पास होते हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन सडन जो वो टाइम आता है और हमें भूख लगी होती है, तो उस टाइम दिमाग काम नहीं करता है। लेकिन वही चीज़ आप मॉर्निंग से आप प्रिपरेशन करके रखो ना, माइंड सेट करके रखो कि हाँ आज मैं ये खाऊंगी या ये खाऊंगा, तो वो चीज़ आपको पता है और उस टाइम पर आप वही चीज़ खाते हो। तो जो भी चीट करता है ना इस टाइम पर, मील नंबर 6 के टाइम पर, वो इस चीज़ का ध्यान रखे कि वो सुबह ही प्लान कर ले कि हाँ मुझे मील नंबर 6 पर ये वाला आइटम आज लेना है, ये वाला मील आज लेना है। तो आपसे मैं पक्का कह रही हूँ चीट होगा ही नहीं। तो अब से मैं ऐसे क्या करूँगी कि मील नंबर 6 को मैं सुबह से दोपहर के बीच में कभी भी जब भी टाइम होगा मैं प्लान कर लूँगी कि मुझे ये खाना है। तो जब मुझे भूख लगेगी तो मैं वही चीज़ बनाऊँगी और मेरा दिमाग बिस्किट्स की तरफ नहीं जाएगा। एंड वन मोर थिंग कि मैं ना आज नोटिस कर रही थी कि लंच टाइम के बाद से मेरा वाटर इंटेक काफ़ी कम हो जाता है, मैं बहुत ही कम पानी पी रही हूँ। तो मुझे इस चीज़ को भी इम्प्रूव करना है, कल से मैं इस चीज़ का भी ध्यान रखूँगी और अपना मील नंबर 6 को ऑलरेडी सुबह से ही प्लान करके चलूँगी। तो ये दोनों चीज़ें मैं अपने में चेंजेस लाऊँगी कल से। तो आई होप आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में, एंड कमेंट भी कर दीजिएगा। अब मैं मिलूंगी आपसे डे नंबर 13 पर, तब तक के लिए बाय बाय।